हेलो विवान, आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जो है, हम बाल में डाई लगा लिए हैं तो थोड़ा देखने लायक हो गया है। और चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं। तो दोपहर में खाना बना के फिर उसके बाद जो है, गार्डन क्या क्या मतलब उगा है, चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं। जब नहीं करेंगे तो फूल बहुत ढेर सारा खिला है। आज फूल नहीं तोड़े हैं, पूजा कल से नहीं कर रहे हैं, तो पूजा जो है 15-15 दिन नहीं करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं तुलसी का पेड़ हम लगाए हैं। तुलसी का पेड़ हमारा इतना बड़ा हो गया है और इसमें जो है जो आया है इसमें पालक और मेरे कुछ कुछ थोड़ा बहुत आया है, और उसमें भी ऊपर वाले में भी आया है। तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा बहुत आया है। और बीच वाले में ना, तो मिट्टी जो है किनारे से उतनी दूर बारिश हुआ था तो गिर गया था, तो उसके जो है आज दोपहर में हम इसको हम फिर मेड़ी बना दिए हैं। मेड़ी बना के फिर उसके बाद जो है इसमें हम बो दिए हैं मेथी। तो देखो अब वो कितने के दिन के बाद निकलता है। तो बारिश हुआ था तो अपने आप मिट्टी भी जो है ढेर सारा उसके ऊपर गिर गया था, तो ये बोए थे। और जो है बिया हुआ इसमें बह गया चला आया था, तो इसी में जो है अपना पेड़ आ गया है। और कितना, जब कोई चीज़ अपने हाथ से लगाओ पौधा तो कितना अच्छा लगता है। आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा हो गया है। और इसमें भी कुछ लगा कुछ नहीं लगा है। और चलिए हम आप उसमें दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं उसमें भी आ गया है। तो मेथी पालक और मेथी पालक सोवा, यही सोवा नहीं, मेथी पालक और धनिया धनिया लगाए हैं। और जो है चौराई, तो फ्रेंड्स, और कबाड़ बाहर आए हैं तो कबाड़ दे रहे हैं कबाड़ी वाले को। देवरानी का जो है अलमारी, और जो है हमारे मंगलवार को देवरानी आई थी तो जो है लेके गई है, अलमारी था, बक्सा था, और जो शादी में मिलता है शादी सी शीशा था बड़ा सा, और जो है सोफा था। तो सब कुछ उठा के लेके गई हैं सब। वहाँ प्लाई उसका टूट गया था, यहाँ मतलब घर नहीं अच्छे से, तो बारिश की वजह से जो है घर में जैसे भीज 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 के एकदम सड़ गया, सोफा खराब हो गया, और जो है अलमारी भी मुरझा रहा, बहुत मुरझा खा गई थी, रखे रखे मतलब ख़राब हो रहा था, बारिश में भीज रहा था। कहाँ मतलब हटाएं, मतलब ठीक से अच्छे से जगह नहीं है, मतलब हटाते थे लेकिन कहाँ हटा के रखें। और आप लोग देख सकते हैं मंगलवार को हमारे हाथ में चोट लग गया था, तो अभी तो बहुत ठीक हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा हाथ एकदम लाल हो गया, सूज आया है, ये चीज़ ये जो आप लोग देख रहे हैं। और गांठी में भी यहाँ पर लग गया है, काला हो गया है, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत भयानक लग गया था। तो हम तो सोचे कि हमारा हाथ ही टूट गया, अब हम काम नहीं कर पाएंगे, अपने अपने गिलास लग रहा है कि हम पानी भी लेके पी नहीं पाएंगे। लेकिन जब तुरंत लगा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, और आप लोग देख सकते हैं काला हो गया है, बहुत भयानक चोट लगी थी हमको। तो गर्म पानी से, गर्म पानी नमक करके धुलाई किए हैं, और प्याज और जो है इसको कूट के सिल पे पीस के और तेल में पका कर उसको हल्दी डाल के उसको 2 दिन बांध एक एक दिन मतलब 2 बार बांधे थे, एक ही दिन बांधे थे। और जो है तो आप तो गर्म पानी से ही धुलाइए किए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत मतलब दर्द भी बहुत हो रहा है, तो दर्द की दवा खा रहे हैं तो उसकी वजह से जो है आराम हो रहा है। एक ही नहीं, सुबह ही सुबह लग गया था, काई लगी थी तो बहुत तेज़ भयानक काई लगी थी, बारिश हुई हुआ था तो जो है फिसल के पानी गिरे पर तो सर में लग गया, बहुत तेज लग गया था मेरे तो। मैं सोची कि मेरा हाथ ही गया, लेकिन बहुत मतलब बच गया हाथ, बस इसको तो हम ठीक कर लेंगे, बस टूट अगर टूट जाता तो हम क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा हमारा वीडियो, और आप लोग जरूर से जरूर देखना। फिर मिलते हैं हम आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।